बच्चा का बच्चा है, ठीक है, सबसे दहरीला एशिया का, हम देख के बता दियो। अभी खूब अभी मेरा यही सब का मरा मरीज पड़ा हुआ 4-5 सब कटा। एगो नैनीताल से आया, एगो रामपुर उत्तराखंड से आया, पहले तो नई सिटी में शुरू में हल्ला हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। जैसे कि जानते हैं, शाम होते ही हमारा झारखंड में ये रसल वाइपर का पूरी तरह आतंक रहता है। और रसल वाइपर जिसको हम लोग झारखंड में चेहरचंदा और इसको चंद्रपोड़ा, इसको रसल वाइपर कहते हैं इंग्लिश में। और ये सांप को सबसे ज़्यादा तर लोग जो है इसको समझते हैं कि ये विदेश से आया है, ऑस्ट्रेलिया से आया। ये हमारा झारखंड में कुछ स्टेट में ये अफवाह, जैसे कि आपका बोकारो में कहता है कि ऑस्ट्रेलिया से जो कोयला आता है ट्रेन से, उससे आ गया। लेकिन आप सभी को पता है ये आज से नहीं, ये सदियों से हमारा झारखंड नहीं, सबसे ज़्यादा ये पुणे, बंगाल, महाराष्ट्र और झारखंड में ये पाया जाता है। बिहार में कुछ एरिया में पाया जाता है, जो नेपाल का बॉर्डर है गंगा का, उस पर उधर पाया जाता है। उत्तर प्रदेश भी कुछ कुछ जगह में है, लेकिन ये सांप सबसे ज़्यादा बड़ा पाया जाता है आपका महाराष्ट्र में, पुणे में। और बंगाल में तो ये सांप सबसे ज़्यादा आतंक है, वहाँ हर दिन धान जो कटाई होता है उसमें जाकर चुपचाप छुप जाता है। और सूरज का रोशनी सवेरे जैसे ही आता आदमी धान का जो आटी है उसको बीड़ा उसको बांधने जाता है, उसको काट लेता है। और ये सांप सबसे बड़ी बात है, आदमी लोगों ने पता है कि गहमन काटे चाहे करेत काटे तुरंत वहाँ रस्सी बांध देते हैं। इसलिए बांधते हैं कि सोचते हैं कि ये रस्सी बांधने से मेरा जहर नहीं जाएगा। ये सरासर 100% गलत है, और ख़ास करके इसमें तो बांधना नहीं। अगर गहमन में, कोबरा में और करेत में बांध दिया जाए फिर भी थोड़ा सा आपको बचने का चांस है, लेकिन इसमें अगर बांध देते हैं बच भी जाता है तो आपका नस फट जाएगा। उसके साथ साथ आपका जो ब्लड क्लॉट होगा उसके साथ ये किडनी या लिवर दोनों डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए सांप को से बच कर रहे, ये सांप कभी भी काटे हाथ में कोई रस्सी ना बांधे। अगर रस्सी बांध देंगे तो सोच लीजिए आपको हाथ या पैर को काटना ही पड़ेगा। और ज़्यादातर आप देखते हैं मेरा वीडियो में छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान से मरीज आया हुआ जिसका पैर पूरी तरह ख़त्म हो गया, गैंग्रीन हो गया, और ठीक होने में बहुत समय लगा या बहुत पैसा का आवश्यकता हुआ। दोस्तों पहले इसको रेस्क्यू करने का बने रहिए, थैला थैला दांत। आदमी अगर कोई अजगर समझता है तो इसको अजगर नहीं समझे, इसका दांत बहुत बड़ा बड़ा होता है। ये जहर गिर रहा है और ये दांत इतना बड़ा होता है ना। और कुछ व्यक्ति का हम आज एक शॉर्ट वीडियो देख रहे थे, उसमें सांप काटने के बाद ये कहता है कि वहाँ पर सांप का दांत दोनों चमड़ा में फंस जाता है, डॉक्टर चीरा लगा के निकालता है और उसको टाका भी मारता। जब किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर उसके जहर को कैसे बाहर निकालते हैं? तो हॉस्पिटल जाने से पहले जिस जगह पर सांप ने काटा हो उसके आसपास किसी कपड़े को टाइट से बांध लेना चाहिए ताकि जहर पूरे शरीर में ना फैले। फिर जिस जगह पर सांप ने काटा है डॉक्टर उस जगह को अच्छे से साफ करके वहां पर चीरा लगाते हैं और सांप के डंक को प्लकर की मदद से बाहर निकालते हैं। फिर उसके आसपास के जख्मों को साफ करके टाके लगाकर पट्टी कर देते हैं। फिर पेशेंट को सांप का जहर खत्म करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं जिससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर की मेहनत के लिए लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। तो इस सरासर गलत वीडियो बनाया, जो भी बहन बनाया उसको मना करते हैं कि सांप काटने के बाद वहाँ पर दांत कभी नहीं फंसता, सिर्फ फंसता है इंडियन चेकरेट किलबैक जिसको हम लोग धोड़ कहते हैं, उसका दांत फंसता है, लेकिन और कोई भी जहरीला सांप का दांत नहीं फंसता। उसका विष गिरा थोड़ा बहुत। भगवान को पूजा कौन करते हैं? मन लगाएगा तब और लगभग 2-3 में 36 आदमी का मौत हुआ है, सांप पकड़ने वाले व्यक्ति का मौत हुआ है। इसीलिए आप सभी को मना करता हूँ कि डब्बे में ना डालें। और आज मेरे पास उपाय नहीं था, लेकिन जो भी देख रहे नया स्नेक सवार को मना करता हूँ उसमें कभी भी ना डालें। आज के लिए इतना ही। और सबसे बड़ी बात, ये सांप इस समय में कभी भी काटे तुरंत उसका बाइट मार, सांप का जो फ्लैंक्स होता है, टीथ का दांत वो मार्क होता है, वो भेजिए, मैं आपको तुरंत कंफर्म कर दूंगा। क्योंकि ये सांप में लगभग 100 में से 20% जो है फॉल्स बाइट होता है, मतलब काटता तो है लेकिन उसमें जहर इंजेक्ट नहीं होता है। उस समय में हो सकता है आप हॉस्पिटल जाके एंटी वेनम ले लेते हैं और उस दवाई के कारण उसका मौत हो जाता है, लेकिन बदनाम होता है सांप की, सांप काटा मर गया, क्योंकि आपके शरीर में जहर गया ही नहीं। तो इसीलिए सांप कभी भी काटे
तो ध्यान रहे कि जहर गया कि नहीं कन्फर्म हो जाए, ब्लड टेस्ट करा ले उसके बाद ही ले, क्योंकि बहुत सारा घटना हुआ है, सांप काटा, गोमन काटते हुए देखा गया, उसको डॉक्टर पास ले गए और वहाँ पर जाके एंटीवेनम दे दिया गया और सांप का जहर से नहीं एंटीवेनम से मर गया। तो इसीलिए आप अक्सर कहता हूँ ब्लड टेस्ट करा लीजिए तभी जाके एंटीवेनम या इंजेक्शन ले। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत। हॉस्पिटल मेरा बन रहा है।